दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ओपन बुक एग्ज़ाम। तो दोस्तों आप समझ सकते हो का ये जो कोविड चल रहा है कोरोना वायरस, इसकी वजह से दोस्तों ये जो भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो मैं आज आपको बात करने वाला हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम आप कैसे देंगे, क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो दोस्तों आप कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, तो आप अपने आईडी, स्कूल के आईडी और अपने रोल नंबर की वजह से आप अपने ऑनलाइन को एग्ज़ाम दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा और गूगल पर आपको सर्च करना होगा jmi.com। दोस्तों आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने ये देखिए यहाँ पर आ गया jmi.com। जैसे दोस्तों आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने पेज ये ओपन हो गया। तो दोस्तों ये सब पेज आपका ओपन हो गया तो आप यहाँ देख सकते हो जामिया मिलिया इस्लामिया। तो दोस्तों आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना होगा जामिया मिलिया इस्लामिया। तो दोस्तों जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने पेज ये ओपन हो गया। दोस्तों ये जामिया का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये आपका पेज ये ओपन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो साइड राइट कॉर्नर में यहाँ पर ऊपर फर्स्ट में लिखा है डिस्टेंस एग्ज़ाम फॉर्म, फिर लिखा हुआ है प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म, फिर दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो रेगुलर स्टूडेंट लॉगिन, यानी उन बच्चों के लिए जो जामिया पहले से ऑलरेडी पढ़ते हों वो रेगुलर स्टूडेंट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें क्लिक करना होगा। चलो दोस्तों मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया, यहाँ पर दे रहे स्टूडेंट। तो दोस्तों आपको उस ईमेल आईडी को यहाँ पर टाइप करना है, फिल करना है जो आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया था या जो आपने यूनिवर्सिटी में अपने दिया ईमेल, तो उसका करोगे दोस्तों। तो मैं उसको यहाँ पर फिल करूँगा और फिर पासवर्ड में दोस्तों जो आपने जो आपका फॉर्म जो फिल किया था उसमें जो पासवर्ड दिया था तो आपको इस पर पासवर्ड वही फिल करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करना है। दोस्तों फिर जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट डाटा, सेकंड में एग्जामिनेशन फॉर्म, थर्ड में मॉक एग्ज़ाम। तो दोस्तों यहाँ पर आपका नेम लिखा रहेगा। तो चलो तो फिर आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आओगे दोस्तों ये सब आपको ऑप्शन मिलेंगे। हम लोग का सेकेंड ईयर का है दोस्तों, इस वजह से हम लोग का इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं पर आप में शायद कम मिले। तो दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो मॉक एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए जब आपको फिल करना हो तो एग्ज़ाम फिल फॉर्म पे जाना हो, जब मॉक एग्ज़ाम देना होता है दोस्तों आप मॉक एग्ज़ाम पे क्लिक करोगे। दोस्तों मॉक एग्ज़ाम पे मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। आप देख सकते हो दोस्तों ये पेज ओपन हो गया। और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है लिंक ऑफ OBE एग्ज़ाम और आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक हेयर लिखा हुआ है दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करो। जैसे दोस्तों ये क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया और यहाँ पर आपको यूज़र नेम यानी अपने रोल नंबर टाइप करना होगा, यूज़र नेम यानी आपका रोल नंबर और पासवर्ड जो आपके फॉर्म में जो फॉर्म का पासवर्ड था वो फॉर्म को फिल करना है यहाँ पर। चलिए मैं आपको और फिर उसके बाद सिंगिंग करोगे दोस्तों तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर लिख रहा हो वेलकम, यहाँ पर आपका नेम लिखा रहेगा और फिर यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये अगर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट अवेलेबल फॉर एग्जामिनेशन नाउ, तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम रहेगा जो आपका एग्ज़ाम रहेगा। अभी हम लोग का कोई मॉक एग्ज़ाम नहीं इस वजह से यहाँ पर लिख रहा हो नो पेपर फाउंड, पर आपका रहेगा दोस्तों तो यहाँ पर आपको पेपर का नेम दे देगा
फिर आप उसको क्लिक करोगे तो आपका मॉक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आज इसमें बात किए कि मॉक एग्ज़ाम कैसे होता है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव करके दिखाएंगे एग्ज़ाम जो चलेगा हम लोग का, वो एग्ज़ाम आपको मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं एक न्यू अंदाज में। थैंक यू।